एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने नेट की साड़ी ली है और ये मैंने कॉटन का फ़ैब्रिक लिया है कॉटन के फ़ैब्रिक को हम साइड में कर देते हैं सबसे पहले मैं आपको साड़ी खोल के दिखा देती हूँ ये साड़ी इस तरीके से है शुरुआत में इसमें लगभग एक मीटर का प्लेन फैब्रिक है इसके बाद ऊपर की तरफ प्लेन फैब्रिक है और नीचे की तरफ इस पर बूटी है इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसके बाद जॉइंट है और नेट का फैब्रिक है फिर साड़ी का फैब्रिक है और फिर से नेट का फैब्रिक है जहाँ पर हम नॉर्मल फ़ैब्रिक को यूज़ करेंगे नेट वाले फ़ैब्रिक को यूज़ नहीं करेंगे तो शुरुआत में जो जॉइंट है यहाँ पर हम लेस को और जॉइंट को खोल के बाकी के फ़ैब्रिक को अलग कर लेंगे इसके बाद हम कॉटन के फैब्रिक को खोल लेते हैं सबसे पहले हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर सीधी साइड में हम अपने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से इसके बाद इसे हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से फैब्रिक फोर फोल्ड हो गया है फोल्डेड साइड से हम सात इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे यहीं से हम होल की लंबाई का निशान लगाएंगे ये भी मैं सात इंच रखूँगी इस तरीके से अब हम अपने अपर पार्ट की टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे जितने हमारे अपर पार्ट की लेंथ है उसमें हम दो इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पर मैं अठारह इंच के निशान लगाऊंगी यहाँ पर हम अपने चेस्ट का फोर्थ पार्ट लगाएंगे अब हम चौदह इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम अपनी कमर का फोर्थ पार्ट लगाएंगे यहाँ पर भी हम अपने मेजरमेंट का फोर्थ पार्ट लगा लेंगे अब हम तीनों निशानों पर दो दो इंच का मार्जिन रखेंगे और इन मार्जिन वाले निशानों को सीधी लाइन से आपस में मिला लेंगे इसके बाद हम अपने आम होल की गोलाई का निशान लगाएंगे अब हम अपने बैक पार्ट के गले का मार्किंग करेंगे गले की चौड़ाई मैं चार इंच रखूंगी और गले की लंबाई मैं तीन इंच रखूँगी इन निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे इस बॉक्स के अंदर हम अपने गले की मार्किंग करेंगे यहाँ पे मैं राउंड शेप बनाऊंगी और एक बार के लिए हम अपने अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं गले की कटिंग से पहले हम जॉइंट को काट लेंगे और दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके निकाल लेंगे जिस पार्ट पे हमने गले की मार्किंग की है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे ये हमारा बैक पार्ट है इसके बाद सेकेंड पार्ट को भी हम डबल फोल्ड करेंगे इस पर हम एक्स्ट्रा अमूल की कटिंग करेंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट है अब बाकी के बचे हुए कॉटन फैब्रिक को हम लंबाई में फोर फोल्ड कर लेंगे मेरी साइड में इसकी ओपन साइड है और दूसरी साइड में इसकी फोल्डेड साइड है सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे अगर आपका इलास्टिक एक इंच का है तो आप डेढ़ इंच में निशान लगाएं अगर आपका इलास्टिक डेढ़ इंच का है तो आप दो इंच में निशान लगाएं इसी निशान से नीचे हम अपने ट्राउजर की टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे मेरे ट्राउजर की टोटल लेंथ पैंतीस इंच है दो इंच का मार्जिन रखेंगे हम मोहरी की मुड़ाई के लिए और सैंतीस इंच पर मैं निशान लगा लूँगी इसके बाद हम अपने हिप के मेजरमेंट लेंगे हिप की गुलाई मेरे छत्तीस इंच है उसमें हम चार इंच ऐड करेंगे टोटल चालीस इंच चालीस इंच का फोर में डिवाइड करेंगे दस इंच तो यहाँ पर मैंने दस इंच में निशान लगा लिया है फोल्डेड साइड से और इसी दस इंच निशान से हम लंबाई में ग्यारह इंच का निशान लगा लेंगे दस इंच में एक, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और ग्यारह इंच पर आसन की लंबाई का निशान लगा लेंगे यहीं पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे आसन की गुलाई के लिए इस तरीके से नीचे की तरफ हम अपने मोहरी का निशान लगाएंगे यहाँ पे मैं छः इंच का निशान लगाऊंगी और अब हम दोनों निशानों को आपस में सीधी लाइन से मिला लेंगे इस तरीके से हम अपने ट्राउज़र का निशान लगा लिया है अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे कम से कम दो इंच का मार्जिन आपको रखना ही है मैक्सिमम आप चार इंच का मार्जिन रख सकते हैं यहाँ पे मैं दो इंच का मार्जिन रखूँगी तो जो ग्यारह इंच का हमने आसन का निशान लगाया था उसके बिल्कुल पैरल में हम दो इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लेंगे ये देखिए दोनों लाइनों के बीच में दो इंच का हमने गैप रखा है अब हम आसन की गुलाई के लिए दो इंच का निशान इस तरीके से लगा लेंगे ग्यारह इंच वाले निशान पर ही हम दो इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से अब इन दोनों दो दो इंच के निशानों के बीच में हम अपने आसन की गुलाई देंगे ये देखिए इसके बाद हम अपने पैरों की फिटिंग के लिए भी मार्जिन देंगे यहाँ पे मैं डेढ़ इंच का मार्जिन रखूँगी ऊपर की तरफ मैंने दो इंच का मार्जिन रखा था लेकिन नीचे की तरफ मैं डेढ़ इंच का मार्जिन रखूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे फिटिंग वाली पैंट बनानी है ज़्यादा लूज़ नहीं रखूँगी मैं इसे तो इस तरीके से मैंने डेढ़ इंच का मार्जिन रखा है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसके बाद हम अपने ट्राउज़र को इस तरीके से खोल लेंगे बाहर की तरफ इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी आमने सामने सीधी साइड है तो सबसे पहले हम दोनों आसन वाले निशान पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ मैंने दोनों आसन पर सिलाई लगा ली है अब हम सेंटर से दोनों फ़ैब्रिक्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और आसन वाली सिलाई को आमने सामने कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से पैंट वाला लुक इसमें आ जाएगा इस तरीके से अब हम पैरों वाली सिलाई लगाएंगे दोनों पैरों पर हम सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई हमने लगा ली है अब हम नीचे से मोहरी की मुड़ाई करेंगे इसके लिए फैब्रिक को एक बार हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से इसके बाद हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरीके से दूसरे वाले मोहरी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे अब हम इलास्टिक लेंगे जितनी आपकी कमर है उससे हम तीन इंच कम रखेंगे मेरी कमर चौतीस इंच है तो मैंने इकतीस इंच की लंबाई का इलास्टिक लिया है और आमने सामने इसके दोनों साइडों को करते हुए सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे अब इस इलास्टिक को हम अपने ट्राउज़र में इंसर्ट करेंगे इसके लिए हम इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है ये जो सिलाई है ये गलती से भी इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए ये सिलाई हम दोनों फैब्रिक्स के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक लगने के साथ ही हमारा ट्राउजर बन तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ट्राउजर बनके रेडी हो चुका है अब हम गले की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने दस इंच की लंबाई और छह इंच की चौड़ाई में पेस्टिंग पेपर लिया है इसे मैंने हाँ डबल फोल्ड कर लिया है फोल्डर साइड से मैं चार इंच का निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई का और पाँच इंच का निशान लगाऊंगी गले की लंबाई का दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम इस तरीके से गले की शेप देंगे एक एक इंच का मार्जिन हम चारों तरफ रखेंगे यहाँ पर भी हम एक एक इंच का राउंड रखेंगे और अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं कॉर्नर पर भी हम गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे इस गले को हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके चिपका लेंगे और इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक में से तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे इस तरीके से हम अरे पट्टी कट करेंगे इन पट्टियों से हम स्लीव बनाएंगे और अपने बैक पार्ट का गला बनाएंगे सबसे पहले हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे तो फैब्रिक की सीधी साइड में अरे पट्टी को रखेंगे और गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हम गले के चारों तरफ सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इसके बाद फैब्रिक को उल्टी तरफ पलट लेंगे और पट्टी को हम पीछे की तरफ दो बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से बैक पार्ट का गला बन चुका है अब हम फ्रंट पार्ट का गला बनाएंगे जो पेस्टिंग पेपर हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था इसके चारों तरफ हम हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे और अब इस हाफ इंच के फैब्रिक पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कट्स लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं इसके बाद हमने अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर पे नाखून से क्रीज बना लिया है और अपने गले को भी सेंटर से फोल्ड करके इस पर क्रीज बना लेंगे ताकि इसकी सेंटर लाइन है वो अच्छे से दिखाई दे ये देखिए अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे नीचे वाले फैब्रिक की सीधी साइड और गले वाले फैब्रिक की उल्टी साइड करते हुए सेंटर पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई हम पेस्टिंग पेपर पर नहीं चलाएंगे इसके बाद हम गले की शेप में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से जैसा हमने गला बनाया है बिल्कुल उसी शेप में हम सिलाई लगा लेंगे अब हम हाफ इंच के फ़ैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और कॉर्नर्स पे कट लगाएंगे और जो हमारे गले की गुलाई है वहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे कट लगाने के बाद पेस्टिंग पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे और इसके किनारे किनारे टोप स्टीच लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से बैठ जाए इस तरीके से गला बनाने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे इस तरीके से टोप स्टिच लगा लिया है और दूसरी वाली साइड में हम तुरपाई करके इस पर प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं अब हम स्लीव बनाएंगे तो इसके लिए मैंने अरे पट्टी ली है और तिरछी पट्टी को उल्टा करके हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से हमने अपना बैक पार्ट का गला बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अरे पट्टी से स्लीव की फिनिशिंग करेंगे चारों तरफ हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं अब इसे उल्टी साइड में पलट लेंगे सिलाई वाले पार्ट को अंदर दबा लेंगे और पट्टी को दो बार फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव भी बना लेंगे इस तरीके से दोनों स्लीव बन गई है अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाकर अपने ब्लाउज की फिटिंग कर लेंगे यहाँ पे हमने फिटिंग कर ली है अब हम अपने आप पर पार्ट की लंबाई को चेक करेंगे जहाँ पे हमने शोल्डर की सिलाई लगाई है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और नीचे से सोलह इंच पे निशान लगा लेंगे ठीक इसी तरीके से इसे उलट देंगे और पीछे की साइड में भी हम इसी तरीके से सोलह इंच पे निशान लगा लेंगे अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से दो बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के मुड़ाई कर लेंगे तो हमारा अपर पार्ट तैयार हो गया अब हम साड़ी के कटिंग करेंगे सबसे पहले जो प्लेन फैब्रिक है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में यहाँ पे हम सोलह इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और सोलह इंच की लंबाई का निशान लगा लेंगे अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जो निशान लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे बचे हुए कपड़े को साइड में रख देंगे और इसे हम लंबाई में फिर से फोल्ड करेंगे एक बार चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोर फोल्ड फैब्रिक है सबसे पहले हम फोल्डेड साइड से सात इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे सात इंच पे ही हम होल का निशान लगा लेंगे इसके बाद हम चौदह इंच की लंबाई में निशान लगाएंगे सात इंच वाले निशान पर हम अपने चेस्ट का फोर्थ पार्ट और चौदह इंच वाले निशान पर हम अपने कमर का फोर्थ पार्ट लगाकर दो दो इंच का मार्जिन देंगे और आपस में सीधी लाइन से मिला देंगे नीचे तक आम होल की गुलाई देंगे और अब हम कटिंग कर लेते हैं बचे हुए कपड़े को साइड में रखेंगे और अब हम दोनों पार्ट्स के जॉइंट पर कट लगाकर दोनों पार्ट्स को अलग अलग निकाल लेंगे एक पार्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम गले का निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई मैं तीन इंच रखूंगी और गले की लंबाई दो इंच रखते हुए गोलाई में निशान लगाकर कट कर लूंगी ये हमारा बैक पार्ट है सेकंड पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा आम होल का निशान लगाते हुए इस पर हम कटिंग कर लेंगे अब हम गले का निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई में तीन इंच रखूंगी और गले की लंबाई में बारह इंच रखूंगी दोनों निशानों पर हम वी शेप बना लेंगे नीचे की तरफ हमारा चार इंच का फैब्रिक बच गया है इसे हम साइड वाले कॉर्नर के निशान से सीधी लाइन से मिलाते हुए कट कर लेंगे इस तरीके से दो पार्ट्स हो गए हैं एक पे हम लेफ्ट लिखेंगे एक पे हम राइट लिखेंगे बाकी के बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने इसे फोर फोल्ड कर लिया है इस तरीके से फैब्रिक को हम रखेंगे फोल्डेड साइड से हम ढाई इंच पे निशान लगा लेंगे अब हम अपने फ्रंट पार्ट में लेफ्ट या राइट right कोई भी एक पार्ट लेंगे और उसके आर्म होल को हम इस तरीके से रखेंगे कि इसके आर्म होल का शोल्डर और अपने फैब्रिक की फोल्डेड साइड दोनों एक तरफ आए और गोलाई हमारी दूसरी तरफ आए इस तरीके से रखेंगे और गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से इसके बाद हम स्लीव के नीचे की तरफ हाथ की मोटाई का निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को सीधी लाइन से मिला देंगे इसके बाद हम अपने स्लीवस की कटिंग कर लेंगे स्लीव के जॉइंट को भी खोल लेंगे स्लीव की सीधी साइड को हम आमने सामने रखेंगे ये हमारे स्लीव की सीधी साइड है दूसरी स्लीव को उल्टा करके रखेंगे ये बाहर की तरफ उल्टी साइड है अंदर की तरफ सीधी साइड है एक साइड में हम एक्स्ट्रा अमूल की कटिंग करेंगे और सीधी वाली साइड में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसके बाद बच्चे हुए फैब्रिक से हम तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे इस तरीके से अब अपने एक पार्ट को लेंगे और जो गले की गुलाई है उस पर हम ओरे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे हमने सिलाई लगा, लगा ली है अब हमारे पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे और दो बार फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी गला बना लेंगे इसके बाद मैंने गोल्डन समोसा लेस ली है जो हमने गला बनाया है उस पर हम नीचे की तरफ समोसा लेस को अटैच कर देंगे ये देखिए अब हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे यहाँ पर भी हम अरेप पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और गले के चारों तरफ सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे फैब्रिक को उल्टी तरफ पलट लेंगे और पट्टी को दो बार फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से बैक पार्ट का गला भी बन गया है और फ्रंट पार्ट का गला भी हमने बना लिया है अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे शोल्डर को स्टिच कर लेंगे इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे स्लीव्स की सीधी वाली साइड है ये हमारी आगे की तरफ आएगी दूसरी स्लीव को भी हम सीधी साइड में फोल्ड करेंगे और जो कटिंग वाला साइड है वो इस तरीके से आगे की तरफ आएगा स्लीव को अटैच करने के बाद स्लीव्स के नीचे की तरफ फैब्रिक को दो बार फोल्ड करेंगे और मुडाई करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हम समोसा लेस को यहाँ पर भी अटैच कर देंगे दोनों स्लीव्स पर बाकी के बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से हम इसे काट लेंगे इसके इक्वल दो पार्ट्स कर लेंगे एक पार्ट को साइड में रखेंगे दूसरे पार्ट को हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे जितनी आपकी लंबाई है यहाँ पर मैं छत्तीस इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि बैक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट से चार इंच छोटा रखना है साड़ी की टोटल लेंथ फोर्टी टू इंचज है ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है इस पर मैं छत्तीस इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरीके से और कट कर लेंगे नीचे की तरफ मैंने मुड़ाई पहले से कर रखी है इसकी अब हम इसे साइड में रख देते हैं और सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे इसे हम अपने बैक पार्ट से चार इंच ज़्यादा रखेंगे पिछला पार्ट हमने छत्तीस इंच का रखा था तो इसे हम चालीस इंच का रखेंगे तो इस तरीके से हमने चालीस इंच पे निशान लगा लिया है अब हम इस पर कटिंग कर लेते हैं ये साड़ी के ओपन साइड है और वो फोल्डेड साइड है ओपन साइड पे हम चार इंच का लंबाई में निशान लगाएंगे और इस निशान को फोल्डेड साइड वाले कॉर्नर से सीधी लाइन से मिला देंगे इस पर हम कटिंग कर लेते हैं और अब हमने जो कटिंग की है यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा के इसमें गैदरिंग करेंगे ये मैंने दो डोरियाँ बनाई है नीचे की तरफ मैंने लटकन भी लगा लिया है इन डोरियों को हम इस तरीके से कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के अटैच करेंगे दोनों कॉर्नर्स पे इन डोरियों को अटैच कर लेंगे और साइड में ब्लाउज की फिटिंग दे देंगे यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है अब हम एक धागे को पकड़ कर खींचेंगे और इसमें गैदरिंग करना शुरू करेंगे पूरे कपड़े पर हम इक्वल चुनटें डाल लेंगे इसके बाद हम अपने बैक पार्ट से इस चुनट वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे इस तरीके से दोनों को साथ में लेते हुए सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हमने बैक पार्ट पर अटैच कर लिया है अब हम फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे इसके लिए डोरियों को पीछे की तरफ कर लेंगे और गले को हम बिल्कुल इक्वल करेंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके बाद जो हमने गैदरिंग वाला पार्ट है इसे उल्टा करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए फ्रंट पार्ट से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे यहाँ दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ मुड़ाई करने के साथ ही मैंने गोल्डन समोसा लेस को भी फ्रंट साइड में अटैच कर लिया है और बैक साइड को प्लेन रखा है अब हम दोनों साइड में सिलाई लगा के इन्हें बंद कर लेंगे